आइए हम लोग जो है ना सबसे पहले दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग जो है एडिशन को देखते हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। एडिशन, एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो है ना किसी भी चीज को जो है, किसी भी चीज को खास करके मैथ को जब पढ़ना हो, सबसे पहले हमें 20 तक पहाड़ आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? 20 तक जो है पहाड़ आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। 20 तक जो क्या आना चाहिए? 20 तक पहाड़ आना चाहिए। दूसरा है कि जोड़, घटाओ, गुना और ये भाग हमको अच्छा ढंग से आना चाहिए। पहला है कि 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, दूसरा है कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग 20 तक, ये जोड़, घटाओ, गुना, भाग आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ को जो है इजी वे में बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 20 तक टेबल आता होगा, पहाड़ा आता होगा। अगर नहीं आता है सबसे पहले उसको याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है जोड़ को देखते हैं और लास्ट में जो आसन टेबल भी सुनेंगे कि 20 तक टेबल आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो जोड़ को इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं, एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ में जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, 6 में 8 को जोड़ते हैं कितना होगा? 6 में हम 8 को जोड़ते हैं कितना होगा? 14 14 होगा। 6 में जब हम 8 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना? 6 में ऐड करेंगे 14 होगा, ठीक है ना। ये जो 6 है, हम पिछले क्लास में जो इसके बारे में बताए थे, ये जो 6 यहाँ पे है, 6 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑजेंड। क्या बोलते हैं? ऑजेंड, भाजक, भाजक। हाँ, ऑजेंड, इसको हिंदी में योजक बोलते हैं, योजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? योजक। इस आठ इसको बोलते हैं एडेंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में योज्य बोलते हैं। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योज्य। इस दोनों को जोड़ने पे जो 14 आया है, इसको हम लोग सम बोलते हैं। सम का मतलब होता है योगफल। सम का मतलब क्या होता है? योगफल। देखिए, हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको जानना चाहिए कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको ऑजेंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में योजक बोलते हैं। नीचे जो उसके नंबर होता है उसको एडेंड बोलते हैं, योज बोलते हैं। इस दोनों को जोड़ने पर जो हमारा 14 आया है, इसको सम बोलते हैं, जिसको वो हिंदी में योगफल कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे हम मान लीजिए कि जो है 7 में जो है हम 5 को जोड़ते हैं, या जो सिंबल है ना, ये जो प्लस का सिंबल, इसको सिंबल बोलते हैं। सिंबल है हमारा, क्या है? सिंबल है। सिंबल को हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। सिंबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। हम 7 में हम 5 को जोड़ेंगे, 7 में हम 5 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसमें जो है 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ जो 7 है, इस 7 को हम क्या कहेंगे? इस 7 को हम क्या कहेंगे? ऑजेंड। सात को क्या कहेंगे? ऑजेंड कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में योजक बोलते हैं। पांच को क्या कहेंगे? एडेंड कहेंगे। एडेंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? योज कहते हैं। इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 12 आया है, नहीं, इसको हम बोलते हैं सम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? योगफल। कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना? यस। दिक्कत नहीं?
चलिए, ये क्या क्रिया और ऑजेंट किसे कहेंगे, एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, जनरली हम लोग बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि उसको कहते क्या है, ठीक है ना। नाम जानना जरूरी है। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए बोर्ड में हम जो भी लिख रहे हैं बाद में वीडियो कॉल करके इसको देखिएगा सीधे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 9876, 9876 7645। तो हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतना आएगा ना, 7645 ये नंबर यहाँ पे है, टोटल का पूरा का पूरा ये हमारा एडेंड है। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई संख्या रहेगा ऊपर तो उसको हम लोग ऑजेंड बोलते हैं, नीचे जो संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, एडेंड करते हैं। जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो फाइनली जो हमारा जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, सम, सम कहलाता है। मतलब ऊपर वाला संख्या ऑजेंड कहलाएगा, उसके नीचे वाले संख्या को एडेंड कहते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं, ऑजेंड और एडेंड को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलता है, सम मिलता है, ठीक है ना। कोई डाउट, जोड़ना जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जोड़ना जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ वगैरह बनाने के लिए जोड़ घटाओ गुणा भाग आना जो है बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्लास का मैथ बनाइएगा, चाहे बच्चा क्लास हो, सीनियर क्लास हो, एमए बीए किसी भी क्लास का हो, पूरा का पूरा गणित जो है जोड़ घटाओ गुणा भाग में ही घूमता है। इसमें घूमता है जोड़ घटाओ गुणा भाग में घूमता है, इसीलिए सबको जोड़ना जो है जरूरी है। हम होमवर्क में देते हैं कुछ संख्या, इसको जोड़ के लाइएगा, जोड़ के देखिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, इसको घर पे जोड़िएगा, ठीक है। 6875098764 इसको जोड़ के लाइएगा, कितना आएगा बताइएगा। इसमें ये भी बताइएगा इसमें ऑडेंट कौन है, ऑडेंट कौन है, एडेंट कौन है, ऑडेंट कौन है, एडेंट कौन है, कौन क्या है। इस तीनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर से जोड़ के लाइएगा, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन को लिखिए, घर से जोड़ के लाइएगा। ठीक है जी, लिख लिए। अब चल, अब थोड़ा देर माइनस के सेंस में देखते हैं। जोड़ जोड़ जो है जोड़ में यही है, जैसे मम्मी को बोलो। अब माइनस के सेंस में देखते हैं, माइनस के सेंस में देखते हैं, जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इसको हिंदी में घटाओ बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घटाओ। जैसे मान लीजिए कि 15 में से हम 6 को माइनस करते हैं, 15 में से 6 को हम माइनस करते हैं तो यह कितना आएगा, 9। अच्छा तो ये जो 9 आया है, ये जो 15 है 6 है, इस वाले जगह को हम क्या कहेंगे, इस वाले जगह को क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे बताइए,
15 को अर्जेंट कहेंगे, 6 को एडेंट कहेंगे, 9 को सम कहेंगे। गलत है, उसको हम लोग पढ़ते हैं जोड़ के सेंस में, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसका नाम बदल जाता है जी, सब्ट्रैक्शन इसका नाम बदल जाता है। सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं मिनुएंड, M-I-N-U-E-N-D, मिनुएंड, इसको बोलते हैं सबट्रहेंड, सबट्रहेंड, मिनिवेंड बोलते हैं ऊपर वाले को, इस यहाँ वाले को सब ट्रहेंड बोलते हैं, और जो दोनों का जो माइनस करने पर इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस, क्या बोलते हैं? डिफरेंस। मिनिवेंड बोलते हैं सब, मिनिवेंड बोलते हैं, सब ट्रहेंड बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बोलते हैं वियोज्य, वियोज्य, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट को बोलते हैं वियोजक, वियोजक, इसको बोलते हैं डिफरेंस को बोलते हैं अंतर, डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अंतर। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अंतर। समझ में आ रहा है जी। सब्ट्रैक्शन में जो है ऊपर वाले को मिनिवेंड बोलते हैं, नीचे वाले को सब्ट्रहेंड बोलते हैं, दोनों का जो माइनस करने पर उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना जी। मिनिवेंड, सब्ट्रहेंड, डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि 98 है, 98 में से हम 24 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4, 9 गया 74, तो यहाँ 98 हमारा क्या कहलाएगा? मिनिवेंड कहलाएगा। मिनिवेंड 94 क्या कहलाएगा? मिनिवेंड। 24 क्या कहलाएगा? सब्ट्रहेंड, सब्ट्रहेंड कहलाएगा। और ये 74 क्या कहलाएगा? या डिफरेंस कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है ना जी? ठीक है जी। चलिए, इसका मतलब हो गया, तो हम लोग एडिशन में क्या देखते हैं? ऊपर वाले को अर्जेंट बोलते हैं, नीचे वाले को एडेंट बोलते हैं, दोनों का सम कहलाता है, नहीं? माइनस में क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाले को मिनिवेंड बोलते हैं, नीचे वाले को सब्ट्रहेंड बोलते हैं, उसका डिफरेंस है, उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है? हाँ, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि सब्ट्रैक्शन के सेंस में जो है मिनिवेंड माइनस सब्ट्रहेंड जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है जी। क्या कहते हैं? मिनिवेंड माइनस सब्ट्रहेंड जो डिफरेंस होता है, जिसको हिंदी में अंतर कहते हैं, ठीक है ना जी। हल्ला हो रहा है? मिनिवेंड माइनस सब्ट्रहेंड डिफरेंस होता है, ठीक है ना जी। चलिए मम्मी एक चेयर देना। टीचर जो है ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के लाइएगा, जैसे 98 में से जो है 24 को माइनस कर देना है, 9876 में से 3240 को माइनस करना है,
8764 में से 9832 को माइनस करना है। तो आता है 98 माइनस 12 को माइनस करना कितना है, ठीक है सर? सर इसमें भी हम लोग सबट्रैक्ट और डिफरेंस लिखना है। हाँ, इस सबका जो है सबट्रैक्ट डिफरेंस लिखना है कि इसमें जो है मिनिमेंड कौन सा है, सबट्रैक्ट कौन सा है, डिफरेंस किसका कौन होगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, हम लोग अगर कल के क्लास में है ना, इसमें देखेंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं। जब हम लोग कल का क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में उसको क्या कहते हैं, डिवीजन में उसको क्या कहते हैं, ठीक है? और ये बेसिक जानना जरूरी है। 20 के टेबल याद करके लाइएगा, 20 के पहाड़ याद रखिएगा, ठीक है? याद है जी। 18 का टेबल सुनाइए तो, 18 का टेबल सुनाइए, 18 का टेबल सुनाइए जी, 18 का टेबल सुनाइए। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 83 जा 54, 83 जा 54, 86 जा 62, सॉरी 84 जा 72, 85 जा 90, 85 जा 90, 86 जा 108, 87 जा 126, 88 जा 144, 89 जा 100, 162, 80 करने की जरूरत है। कल जाना 20 तक अच्छा से टेबल याद करके लाइएगा, ठीक है जी? थोड़ा मतलब दिक्कत होता है इसीलिए प्रैक्टिस, भैया थोड़ा दिक्कत होता है इस वजह से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ प्रैक्टिस करके आइएगा, कल फिर से हम पूछेंगे, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट।